तक वो सोचते रहेंगे कि पूरे बजट का जो हिस्सा तेलंगाना पर खर्च होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सबसे अच्छा यही है, किसी परिवार में अगर भाइयों का इस तरह का झगड़ा हो तो अपना अलग संसार चलाए हो। तो हमने, जैसा मैंने आपको कहा, बहुत विचार करके हर पहलू को सोच के तेलंगाना का हमने समर्थन किया। जैसे और किसी की मांग है, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मांग है। इस मांग को उलझाया किसने? मैं आज आपके इस मंच से ये कह देना चाहता हूं, अगर किसी ने इस तेलंगाना के अलग राज्य बनाने की मांग को उलझाया है तो यूपीए सरकार जो है, मनमोहन चिदंबरम की सरकार, वही जिम्मेदार है। इनकी बातों की कोई मूल्य है इनका? एक दिन रात को 11-12 बजे इनने ऐलान किया कि हम तेलंगाना दे रहे हैं, और दूसरे ही दिन उस मांग को उन्होंने खारिज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि इधर तेलंगाना के भाई लड़ते रहे, उधर बाकी हिस्से में जो हमारे भाई हैं वो भी आपस में लड़ते रहे। दोनों को लड़ाने का ये षड्यंत्र यही सरकार का है, मनमोहन सिंह की सरकार, जिसका मंत्री चिदंबरम है, वही सरकार का यह है आपस में भाइयों को लड़ाने का, दो इलाके के लोगों को आपस में टकराने का। इन्होंने ही एक कमेटी बाद में नियुक्त किया, श्री कृष्ण कमेटी के नाम से। लोग बड़े धैर्यशील है, शांतिप्रिय तरीके से ही सवाल का हल चाहते हैं। इसलिए जब कमेटी बनी तो 6 महीने तक लोग उस कमेटी का फैसले का, निर्णय का रास्ता देखते रहे, इंतजार करते रहे। आखिर वो कमेटी की रिपोर्ट आई, पर हैरानी की बात यह है, ताज्जुब की बात है, इस कमेटी ने सवाल को और उलझा दिया। तेलंगाना देना तो दूर रहा, तेलंगाना के मांग को स्वीकार करना तो अलग बात, इन्होंने इस सीधा प्रश्न का उत्तर न देते हुए 5-6 और ऑप्शंस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह के 6 और ऑप्शन लोगों के सामने रख दिए ताकि तुम सोचते रहो और सरकार भी किस ऑप्शन को स्वीकार करेगी उन पर छोड़ दिया। अरे, कमेटी नियुक्त हुई कि तुम तेलंगाना के प्रश्न का, सवाल का जवाब दो, तुमने और 5 प्रश्न लोगों के सामने रख दिया। ये कौन सी कमेटी का रास्ता है?
धीरे धीरे ये भी बात सामने आई कि उसी कमिटी के रिपोर्ट में एक चैप्टर, एक और अध्याय है जिसको तो पहले गुप्त रखा गया, प्रकाशित नहीं किया गया, लेकिन इस दुनिया में कौन सी बात छिपी रहती है बहुत दिन तक? कभी न कभी तूफान में, अंधेरे में, बारिश में सूर्य तो उगता ही है, उसी तरह वो चैप्टर 8 में इस कमेटी ने और क्या लिखा वो भी बात लोगों के सामने आ गई। सरकार की धूर्तता, सरकार की बदनीयत ये जब सामने आ गई तब साफ आ गया। उस 8वें चैप्टर के अंदर, उस 8वें अध्याय में बल्कि ये लिखा गया कि लोगों को किस तरह लड़ाया जाए, लोगों को किस तरह खरीदा जाए, कांग्रेस जनों को कैसे खरीदे, तेलंगाना मांगने वाले लोगों के बीच में फूट कैसे डाले, कैसे मतभेद बोले जाए, और ये सबके बाद अगर जरूरत पड़े तो डंडे से और गोली से सब लोगों को भून लिया जाए। ये सारी बातें उस 8वें चैप्टर के अंदर आए। मैं पूछना चाहता हूं जस्टिस श्री कृष्ण से, इस काम के लिए आपकी कमेटी बनी थी ये सलाह देने के लिए लोगों को कैसे दबाया जाए, लोगों को कैसे लड़ाया जाए आपस में? तेलंगाना की मांग को लेकर इस तरह की धूर्तता और बदमाशी के लिए कमेटी नियुक्त किया गया था? मैं उनसे यही जानना चाहता हूं। खैर, एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, कमेटियां हजार बने, सरकारें हजार चीजों को उलझाने की कोशिश करें, अंत का फैसला जनता ही करती है और ये जनता तेलंगाना की जो है वही फैसला करेगी। एक बार जब लोगों ने तय कर लिया तो ये होकर रहेगा। अनेक चीजें, अनेक शोषे मैदान पे छोड़े जा रहे हैं। मैं कहता हूं इधर उधर ना भटकते हुए आप लोग अपनी मांग पर, अपने संकल्प पर, अपने फैसले पर अटल रहे और उसी के लिए लड़ते रहे। उसके लिए तेलंगाना की जनता को एक होकर खड़ा होना पड़ेगा। मुझसे जब विद्यार्थी नेता लोग मिले थे तेलंगाना के, उन्होंने कहा आप अगर समर्थन करते हैं तेलंगाना के तो आंदोलन में क्यों नहीं हिस्सा ले रहे हैं? मैंने उनको जवाब दिया कि हम उस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं जो एक दूसरे को गाली गलौज देता है। हम आंध्र प्रदेश के किसान, रायलसीमा के या बाकी आंध्र के गरीब लोग अपने बूते पर इस आंदोलन को खड़ा किया है।
हमारी पार्टी ने जत्थे निकालकर जनता को आज की इस परिस्थिति में तेलंगाना की मांग को बुलंद करने के लिए हर तरफ, तेलंगाना के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर जिले में यात्रा किया। आज जो दो जत्थे निकले थे वो दोनों जत्थे यहां पर वापस आए हैं और आपके बीच में हैं। मैं ये भी कह देना चाहता हूं, कई लोग हैदराबाद शहर को लेकर कुछ उलझन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद शहर को छोड़कर तेलंगाना बन नहीं सकता। हैदराबाद शहर तेलंगाना का हिस्सा है। मुझे याद है हम जब महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे थे तब यही कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में बैठकर बंबई शहर को, मुंबई शहर को हमसे अलग छीनने की कोशिश की और हमारा नारा, हमारा संकल्प जिस बात को लेकर के हम लड़ते रहे वो यही था कि मुंबई शहर से युक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे। मुंबई छोड़ करके महाराष्ट्र नहीं हो सकता, उसका अविभाज्य अंग है। उसी तरह आज मैं सीपीआई की तरफ से यह कहता हूं कि हैदराबाद को छोड़कर तेलंगाना बन नहीं सकता। यह उसका हिस्सा है, यह उसकी जान है। भाइयों, आज हमारे सामने कुछ और समस्याएं भी है, वो सारी समस्याएं देश की समस्याएं हैं।